तो गाइस आज जो है मैं एक ऐसा फर्नेस बनाने वाला हूँ जो कि लिटरली स्मेल्ट कर सकता है मिलियंस ऑफ आइटम्स को, वो भी बहुत कम टाइम में। एंड इस फर्नेस को बनाने के लिए मेरे को जो अजीब अजीब ब्लॉक्स कलेक्ट करने पड़े ना, वो तो आप आगे वीडियो में देखना। लेकिन उससे पहले गाइस हम जो है 6 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। इंडिया गाइस एंजॉय। तो गाइस आपको जो है ये तो प्रोजेक्ट याद होगा जिसमें हमने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था ऑफ द मोस्ट ड्रेनिंग। अब इसमें जो है गाइस मैं बहुत तगड़ा ओशन बेस बनाने वाला हूँ जिसके लिए लाइक मेरे को मिलियंस ऑफ ग्लास चाहिए। एंड मिलियंस ऑफ ग्लास जो है तुम्हें पता है कहां से आता है, मिलियंस ऑफ सैंड से। एंड अगर मैं जो है मिलियन ग्लास इसके अंदर स्मेल्ट करने बैठा तो मेरे को एग्जैक्टली जो है 22 डेज लग जाएंगे, वो भी रियल लाइफ वाले डेज। तो इसलिए जो है गाइज आज जो है मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे एक जॉइंट फर्नेस जो कि मेरे को स्मेल्ट करके देगा 1 मिलियन ग्लास, वो भी कुछ चंद घंटों में। एंड भाई बहुत ज्यादा जो है ओपी लगने वाला है, तो भाई वेट क्या करते हैं, अभी जो है चलो काम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मेरे को काफी सारे मटेरियल कलेक्ट करने पड़ेंगे, तो गाइज चलिए काम पे लगते हैं, लेट्स गो। तो गाइज मटेरियल लिस्ट में गाइस ये रही वो चीजें जो मेरे को मेन चाहिए, कुछ ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, तो लाइक हम जल्दी से कलेक्ट कर लेंगे इसको। एंड में जो फर्नेस है ना यहाँ पे इतना ओपी लगेगा ना भाई, मजा आ जाएगा देख के। एंड सून जो है गाइस मैं इन सारी बिल्ड्स को जो है एक रास्ते से कनेक्ट भी करने वाला हूँ, उसको स्ट्रीम पे करेंगे। एंड उसके लिए गाइस नोटिफिकेशन ऑन रखना ताकि तुम्हें पता चल जाए जब मैं लाइव आऊँ। ऑलराइट गाइस सबसे पहले जो है हमें चाहिए ऑलमोस्ट 1000 पावर्ड रेल्स। ऑलराइट जल्दी से जो है क्राफ्ट करते हैं 1000 पावर्ड रेल्स को। एंड आई थिंक विद दैट हमारे पास जो है यस हो चुके हैं गाइज 1000 पावर रेल यहाँ पे। एंड नेक्स्ट जो है हमें चाहिए 900 वाइट कॉन्क्रीट, एंड मेरे पास जो है सिर्फ ये कॉन्क्रीट है। डैम भाई ये भी क्राफ्ट करनी पड़ेगी, व्हाट द हेल। ऑलराइटी हमने जो है गाइज ये भी क्राफ्ट कर लिया है। अब जो है इस कॉन्क्रीट पाउडर को सॉलिड कॉन्क्रीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी जाके जो है कॉन्क्रीट पाउडर को कॉन्क्रीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑलराइट सारे को जो है हमने कंक्रीट पाउडर से कंक्रीट में कन्वर्ट कर लिया। क्या यहाँ पे आ चुकी है वो, अबे कहाँ गई? ओके ये ओके रहा, मैं डर गया था। ओके ओके ये रही सारी की सारी यहाँ पे कंक्रीट आ चुकी है वाइट। डैम और बाकी जो है होपर्स में है क्या? अभी भी आ रही है भाई अभी भी। ऑलराइट तो इसी के साथ में सारी की सारी वाइट कंक्रीट भी जो है यहाँ पे कलेक्ट हो चुकी है। एंड नाउ हमें बस दो मेन चीज़ चाहिए, एक है 700 होपर्स एंड एक है 400 फर्नेस। एंड 400 फर्नेस तो बहुत ज़्यादा आसान होगा बिकॉज कोबल स्टोन हम ले लेंगे कहीं से भी, मिल जाता है वो। तो अभी होपर चाहिए हमें 600, तो वो कलेक्ट करते हैं जाके। एंड गाइज मैंने अभी चेक करा, आई ओनली हैव 4 होपर्स। डैम भाई साहब, पर अब गाइज जब मेरे को इसे एक बहाना मिल गया, मेरे को इस आयरन फार्म को यूज़ करना था भाई, मैं कब से चाहता था इसको यूज़ करना। ओके देखते हैं गाइज इसको यूज़ करके, भाई बहुत सही है ये। हाँ गया, ये रहा इस लीवर को ऑन करना है मेरे को। एंड यहाँ पे जो है गाइज ऑन कर दिया मैंने, देखो अभी इसको, बस यहाँ पे मेरे को 5 मिनट वेट करना है। मैं एग्जैक्टली 5 मिनट वेट करता हूँ, फिर तुम्हें दिखाता हूँ कितना सारा आयरन मिलता है भाई इससे। ऑलराइट गाइज 5 मिनट हो चुके हैं, अब बारी आती है फार्म को बंद करने की। नाइस nice. तो अब जाएगा जाके दिखाता हूँ तुम्हें कितना सारा आयरन आया होगा, वो नेदर में दिखता है, तो चलते हैं वहाँ पे। ओह माय गॉड ये रहा गाइज, भाई कितने सारे आयरन कॉलम्स हैं। एक सेकंड यार, यहाँ पे बोट हुआ करती थी भाई, वो कहाँ गई? एक सेकंड, ओह माय गॉड, एक को हिट करा सारे के सारे। ओह माय गॉड एक सेकंड भाई, देखो कितने सारे आयरन गोलम्स हैं वहाँ पे। डैम भाई देखो कितना सारा आयरन जो है अभी हमें मिल चुका है। ये देखो भाई कितना सारा आयरन, ये सिर्फ 5 मिनट का आयरन है गाइस, और अभी यहाँ पे अगर बोट होती तो बहुत सारा आयरन आ जाता है। भाई साहब क्या फार्म है, ओ माय गॉड। एंड मेरे पास वुड, एक वुड फार्म भी है, तो वहां से वुड भी ले लेते हैं जल्दी जाके। है यहाँ पे भाई ये जोगलिंस मेरे पास जो है भाई, यहाँ पे इतने सारे जोगलिंस आते हैं ना, पूछो मत। इधर Let's go. अभी देखो वो रहा गाइस वुड फार्म, वहाँ पे जो है पक्का काफी सारी जो है स्प्रूस वुड पड़ी होगी, जल्दी जाके लेके आते हैं। यहाँ पे भी आयरन गोलम स्पॉन हो रखे हैं, व्हाट द हेल। वुड नहीं है यहाँ पे, एफके करना पड़ेगा अब, व्हाट द हेल। नेवर माइंड गाइस, मेरे पास ऑलरेडी जो है स्प्रूस वुड पड़ी है, ये देखो। एक स्टैक हो गए, एक स्टैक से तो बहुत ज्यादा चाहिए भाई मेरे को। तो सबसे पहले दिन सारी वुड से मैं चेस्ट बना लेता हूँ, और अब जो है बस मेरे को होपर्स बनाने हैं। मेरे को 600 होपर चाहिए थे भाई साहब। ओके वुड खत्म हो गई एंड आयरन भी खत्म हो गया, सो मेरे को आई गेस दोबारा से जो है इन दोनों फार्म पे एफ करना पड़ेगा। व्हाट द हेल यार, कुछ मर्जी कर लो यार, फार्म भी बना लो तब भी चीजें खत्म हो ही जाती हैं, व्हाट द हेल। एंड तो गाइज ये देखो कलेक्ट हो गया जितने भी हमें होपर्स चाहिए थे। एंड अब जो है गाइज छोटे मोटे चीज़ें लाइक बर्स्ट ट्रैपडोर कैक्टस कोल्ड ड्रोन स्पोन लाइक कंपोस्टर वगैरह चेस्ट रेस्टोरेंट कंपैक्टर, ये सब फालतू की चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ चाहिए मेरे को 2-3 दिन अमाउंट में, वो भी जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं। एंड फिर जो है तो मैं मिलता हूँ, लेट्स गो।
तो गाइस मैं जो देखो सारे के सारे मटेरियल्स यहाँ पे कलेक्ट कर लिए, अब इनको लेते हैं एंड चलते हैं अपनी लोकेशन पे जहाँ पे हमें जो है वो फर्नेस बनाना है। एंड तो मैं गाइस सोचा था कि यहाँ बनाऊँ जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो ढेर सारे मटेरियल एंड लगते हैं काम पे एंड बनाते हैं हमारे स्मेल्टर को। लेट्स गो। तो गाइस ये देखो यहाँ पे स्मेल्टर बन चुका है एंड अभी जो इसको ट्राई करने के लिए मेरे को काफी सारा फ्यूल लेके आना पड़ेगा। तो ये दो शल्कर जो अभी खाली हुई इन मटेरियल से उनके अंदर जो है गाइस अभी वो भरते हैं, कहते हैं फ्यूल भर के लेके आता हूँ। एंड गैस कर सकते हो कमेंट्स में कि मैं कहाँ से लेके आने वाला हूँ इतना सारा कोल। एंड मैं जो है उस फार्म पे भी जल्दी जाता हूँ, फिर तुम्हें दिखाता हूँ, इतना गैस कर जाके भाई। ओह यस, हम आ चुके हैं गाइस विद द स्केलेटन फार्म पे एंड यहाँ पे जो है भर भर के कहते हैं कोल होगा पक्का। ऑलराइट, इसको यहाँ पे रखते हैं। भाई देखो कितना सारा कोल है। ओ माई गॉड, मैं तो कहूँ जो है मैं तो वो बना, एक काम करता हूँ इनके कोल के ब्लॉक्स बना लेते हैं। यस यस यस, ओ सेकंड, अरे मेरे पास एक मोड भी लगा जिसे कोल के ब्लॉक में बना सकता हूँ, ये रहा। ओके सो अगर मैं ये बटन दबाता हूँ तो देखो कोल के ब्लॉक्स ऑटो क्राफ्ट हो गए। राइट, अब जो है मैं काफ़ी सारे जो है कोल के ब्लॉक्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड फिर जो तुम्हें मिलता हूँ। तो भाई ये देखो मैंने जो है भाई कितना सारा कोल अभी भी इसके अंदर जो है बचा हुआ है भाई देखो। एंड अब मैंने जो है पूरे दो शल्कर बॉक्सेस जो है भर लिए हैं भाई साहब कोल ब्लॉक से, अभी जो है इनको लेके चलते हैं। ये बहुत तगड़ा फ्यूल है भाई, मज़ा ही आने वाला है। लाइक मज़ा तो नहीं, लाइक बहुत ज़्यादा स्मेल्टिंग होने वाली है, देखते जाओ। ऑल राइटी, अभी जो है मैं क्या करता हूँ एक शल्कर बॉक्स जो है फुल, एक शल्कर बॉक्स फुल को लेते हैं सैंड के एंड फ्यूल जो है डालते हैं इस मशीन के अंदर एंड फिर देखते हैं भाई किस तरीके से जो है वर्क करती है। ओके, अब इनके अंदर जो है बस मेरे को डालना है सारा का सारा फ्यूल जल्दी से। एंड गाइस देखो सारा का सारा फ्यूल जो मेरे पास था मैंने डाल दिया है एंड अब जो है मेरे को एक शल्कर बॉक्स पूरा सैंड का बस यहाँ पे डालना है एंड मेरे को जो है इस पे क्लिक करना है। राइट गाइस, तो मैंने जो है फिक्स कर दिया है जो एक छोटी सी दिक्कत हुई थी। तो अभी जो है हम करने वाले हैं एक छोटा सा स्पीड रन एंड देखने वाले हैं कि एक शल्कर भर के ग्लास को स्मेल्ट करने में उसको कितना टाइम लगेगा हमारे इस मशीन को। अभी इसके अंदर हल्की सी दिक्कत पता है क्या हुई थी, मैं तुम्हें एक्चुअली दिखाता हूँ। तो या ये जो तुम्हें जो दो होपर्स दिख रहे हैं इनके अंदर एक होपर में जो है 13 आइटम्स डालने थे बट मैंने वो नहीं डाले थे जिसकी वजह से रेडस्टोन क्लॉक पूरी नहीं थी एंड जो है कोई मशीन वर्क नहीं करती अच्छे से। तो यहाँ मैंने जो है डाल दिया है, एक सेकंड, अब जो है गाइस मैंने डाल दिया। तो अब जो है चलते हैं यहाँ पे ऊपर एंड जो है स्पीड रन करके देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा इसको। ओके, तो ये रहा एक शल्कर भर के पूरा सैंड का, ये डालो एंड ये नोट ब्लॉक पे राइट क्लिक करते ही जो है टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। 3, 2, 1। ओके, अभी जो है मेरे को नीचे जाना है एंड टाइमर जो है चल रहा है एंड देखते हैं अब जो है कितना टाइम लगेगा पूरे एक शल्कर भर के जो है ग्लास को यहाँ पे आने में। तो एक काम करता हूँ मैं इसके अंदर से सारा ग्लास लेके जो है इसको थ्रो कर देता हूँ। आई नो ग्लास का वेस्ट कर रहा हूँ मैं बट यहाँ मेरे को ग्लास काउंट भी करना, तो इस शल्कर के अंदर मैं डालूंगा। ओ माई गॉड, देखो गाइस सारे के सारे होपर विद माइनकार्ट जो है ऊपर चल रहे हैं। डैम, ओके, इसी तरीके से वर्क करना था इस फार्म का एंड बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। ऊपर भी बस थोड़ी सी सैंड बची है एंड आई थिंक अब जो है पहला माइनकार्ट जो है देखो इधर से गया, अभी ये इधर जो है आएगा पहला माइनकार्ट एंड इसके अंदर जो है बहुत सारा जो है लाइक ग्लास होएगा। लेट्स सी, एंड मेरे ख्याल से अभी आ रहा है, ये देखो ये आया एंड बूम, देखो भाई कितना सारा ग्लास, अभी 5 स्टैक आए हैं एंड अभी देखो भर भर के आएंगे, देखते जाओ बस गाइस। ओके, या ऊपर विद माइनकार्ट तोड़ो एंड इसके अंदर 2 स्टैक थी। यस, तो गाइस ये देखो पूरा एक शल्कर भर चुका है ग्लास का, मैं नीचे से ये भी पिक कर लेता हूँ एंड इसके अंदर जो है गाइस लेस देन 2 मिनट्स लगे हैं हमें। ओ माय गॉड भाई, 2 मिनट से भी कम में पूरा एक शल्कर भर के स्मेल्ट कर दिया। दिस इज़ अ गोल्ड लाइक स्मेल्टर भाई साहब, ये सब उठाओ। तो वैसे अब जो हम करने के वाले हैं, हम जो है एक और स्मेल्टर बनाने वाले हैं इसी के ऊपर सेम ही, तो उसके लिए मेरे को सेम ही मटेरियल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो जल्दी से गाइस वो मटेरियल मैं कलेक्ट कर लेता हूँ एंड आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। लेट्स गो। तो गाइस ये देखो यहाँ पे दो स्मेल्टर जो है मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। तो इनका जो गाइस इनपुट और आउटपुट जो है एक साइड होता है ना, लाइक यहाँ से आउटपुट है इधर से इनपुट है, तो मैंने ऐसे करा है कि नीचे वाले का जो है इधर है इनपुट आउटपुट और ऊपर वाले का इधर है। इनको जो है अंदर एक स्टोरेज बहुत ही सिक स्टोरेज बना के मिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है गाइस यहाँ पे बहुत बड़ा जैसे मैंने कहा था फर्नेस बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए जो है नीचे का लैंड मेरे को क्लियर करना पड़ेगा। तो जल्दी से कर लेते हैं अभी। तो गाइस हमने जो है यहाँ से देखो सारी की सारी ग्रास जो है क्लियर कर ली एंड यहाँ पे जो मैं फर्नेस बना पाऊँगा बहुत ही बड़ा। एंड गाइस बट एक चीज़ उससे पहले, ये देखो ये जो ट्री है ये यहाँ पे है
पूरे 1.6 ईयर से, यस रियल लाइफ वाले डेज लाइक 500 डेज से ये ट्री यहीं पे है। एंड आज जो है मैं इसको रिमूव करने वाला हूँ फाइनली, बिकॉज ये जो है हमारे फर्नेस के लुक को आगे से खराब कर रहा है। ना मैं नहीं कर सकता नहीं भाई, ये पेड़ यहाँ पे बहुत टाइम से, मैं नहीं करूँगा भाई इनको, इसको रिमूव बिल्कुल भी ब्रो, नहीं इस पेड़ को हम रिमूव नहीं करेंगे। बट या एनीवेज अभी जाएगा जो हमें मटीरियल कलेक्ट करने हैं, अगर ये पेड़ जो है ज़्यादा दिक्कत करेगा देन हटाएंगे, बट अभी नहीं हटाते हैं। तो अभी फर्नेस बनाने के लिए जो है जो कि हम वहां पे बनाएंगे, उसके लिए मेरे को सबसे ज्यादा मटेरियल चाहिए स्टोन ब्रिक्स, एंड स्टोन ब्रिक्स मेरे पास है, लेकिन जो सेकंड मटेरियल हमें चाहिए उसके लिए जो है हमें एक डिफरेंट बायोम में जाना पड़ेगा। तो चलते हैं उस बायोम में, तो मैं दिखाता हूं वो कौन सा मटेरियल है। ऑलराइट गाइस, तो ये आ गए हम, ओके देखते हैं वे कौन सी बायोम है, सीक्रेट वाली। ओके सीक्रेट कोई बायोम नहीं है, ऐसा बायोम है यार। आई थिंक गाइज मेरे को जो है नॉर्मल टेराकोटा ही लेके उसको करना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरे को जो है साइन टेराकोटा चाहिए, एंड साइन टेराकोटा कहीं पे यहाँ पे नेचुरली जनरेट हो नहीं रहा, आई थिंक होता भी नहीं है। तो आई गेस अभी मेरे को कितना चाहिए साइन टेराकोटा, ओके मेरे को 2000 साइन टेराकोटा चाहिए। तो सबसे पहले मेरे को टेराकोटा कलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, तो कर लेता हूँ गाइज यहाँ जल्दी से टेराकोटा जितना हमें चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे देखो मैंने जो है इनफ जितना टेराकोटा चाहिए था वो कलेक्ट कर लिया, जिसको मेरे को जो है रन करना है। बट उससे पहले यहाँ से अपना बीकन उठा लेते हैं जल्दी से। भाई कितने सारे जोगलिन है यार इस वर्ल्ड में, भाई हमेशा मेरे को जब भी निकलता है पोर्टल से मेरे को जोगलिन मिलता है ब्रो, व्हाट द हेल। ओके तो इसको यहाँ पे रखते हैं, मैंने टेराकोटा ले लिया, टेराकोटा को जो है अभी मेरे को साइन कलर देना है, जो कि आई मीन इट्स इजी हो जाएगा जल्दी, कोई बात नहीं कर लेंगे। बट जो नेक्स्ट हमें चीज चाहिए, ओहो हो भाई उसमें मजा आने वाला है। ओके ऑल राइट, देखो ये रहा गाइस स्टोन पिक्स का एक शल्कर तो नहीं, थोड़े से कम है बिकॉज मेरे को इतने चाहिए। अभी मेरे को करना क्या है, मेरे को जो है चाहिए क्रैक्ड स्टोन ब्रिक्स, एंड जिनको पता है क्रैक्ड स्टोन ब्रिक्स किस तरीके से आता है, वो आता है फर्नेस में जलाने से। तो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को डालना है इसको इधर, एंड बूम दैट्स इट, कहाँ गई ये रही सारी की सारी स्टोन ब्रिक्स। अब इनको जो है स्मेल्ट होने देते हैं, एंड भाई मेरे को यहाँ पे जो है फिर मिल जाएगा। यार मेरे को पता है एक चीज़ अच्छी नहीं लगती है, शल्कर डिस्ट्रॉय कर देता है, इवन तो हमारे पास रिन्यूएबल शल्कर्स हैं, लाइक मैं चाहूँ तो कभी भी लेके आ सकता हूँ जितने चाहे शल्कर, बट स्टिल आई डोंट लाइक इट टू बी फेयर। ऑलराइट ये रहे पहला, ओ भाई देखो कितने सारे क्रैक स्टोन ब्रिक्स एकदम से आ गए, नाइस यार। ऑलराइट सारी की सारी स्टोन ब्रिक्स यहाँ पे क्रैक्ड हो चुके हैं। तो ये जो है दो मेन मटेरियल है जो कि मेरे पास नहीं थे, अब जो है आ चुके हैं। एंड अभी जो है मेरे को नेक्स्ट चाहिए क्या, हमें चाहिए एक शल्कर भर के वाइंस। अब तो मैं बताऊंगा वाइंस क्यों चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो हम चलते हैं जंगल बायोम में, क्योंकि वाइंस हमें वहीं से मिलेंगी। एंड या तुम्हें बताता हूँ क्यों चाहिए, मैं जल्दी जंगल बायोम में चलता पहले सबसे पहले। तो गाइस हम जो देखो जंगल बायोम में पहुंच गए हैं, यहाँ पे बहुत सारी वाइंस मेरे को दिख रही है, लेकिन यहाँ पे देखो स्वैम्प में भी जो है बहुत सारी लाइक वाइंस हैं। ऑलराइट बट ये लैग ही बहुत ज्यादा, एक सेकंड थोड़ी जंग कम कर लेता हूँ। ऑलराइट सो आप जो यहाँ पे गाइस करते हैं काम स्टार्ट, वाइंस वगैरह जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं, मेरे को चाहिए भाई। ऑलराइट गाइस, तो मैंने देखो सारी की सारी वाइंस कलेक्ट कर ली है, पूरा शल्कर बॉक्स भर के पड़े हैं, 13 वाइंस इधर हैं। तो आप चलते हैं घर पे, एंड इसके बाद बस दो या तीन मटेरियल छोटे छोटे कलेक्ट करने रहते हैं, वो करते हैं। इसके बाद जो है एक्चुअली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डीप स्लेट कॉपर ओर। भाई क्या पिक्सेल आर्ट बना दिया मैंने भाई इस फर्नेस का, कि मेरे को डीप स्लेट कॉपर ओर चाहिए भाई, वो भी अभी हमें कलेक्ट करनी पड़ेगी, बट मजा आएगा इसको ढूंढने में, लेट्स गो। तो गाइस अभी जो है हमें 300 जो है डीप स्लेट कॉपर चाहिए, पता नहीं कहाँ मिलेगा, लेकिन हमें जो अभी डायमंड मिल चुका है तो ये कलेक्ट कर लेते हैं। एंड अभी ढूंढते हैं गाइस, एंड मैं जो है साथ में एक रिसोर्स पैक भी लगा लेता हूँ विजिबल ओर्स का, तो इससे जो है काफी हेल्प होगी। देखो गाइस किस तरीके से दिख रहे हैं सारी की सारी, और देखो वो देखो डीप स्लेट हमें कॉपर मिल भी गया है। तो अब जो है गाइस सारा का सारा डीप स्लेट कॉपर मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस नेक्स्ट जो है मेरे को चाहिए कोल, और भाई साहब कोल और जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मेरे पास कोल और है, उल्टा था, एक सेकंड नीचे मेरे पास चेस्ट वर्क है, तो मैं कोल और हो सकती है, लेट्स चेक। ओह कुछ है, मेरे को ज़्यादा नहीं, दो तीन स्टैक ही चाहिए यार, दो तीन नहीं लाइक 5-6 स्टैक चाहिए, जल्दी जाके जो कलेक्ट करता था इसको यार। ऑल राइट गाइस 1 2 3 4 5
ओके हमारे ऑलमोस्ट सारे आइटम्स हो गए हैं। लाइक गाइस अभी मैं तुम्हें लिस्ट दिखाऊँ ना भाई, तुम डर जाओगे, इतने सारे आइटम्स पड़े हैं, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे आइटम्स हैं एंड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारे पास हैं, बस चीज़ों को कलर करना है, ये सब फालतू चीज़ें हैं, बोर हो जाओगे तुम, ठीक है? तो मैं जल्दी से वो कर लेता हूँ एंड जो है फिर तुम्हें मैं आगे वीडियो में मिलता हूँ, लेट्स गो। ऑलराइट तो गाइस हमने सारे के सारे ब्लॉग जो है कलेक्ट कर लिए हैं वो भाई साहब एंड जो अभी यहाँ पे हम फर्निस बना पाएंगे एंड ऑल्सो जो है छोटे मोटे ब्लॉग लाइक अकेशिया की वुड एंड थोड़ी बहुत जो है लाइक ब्रश ब्लॉग मड ये सब चीज़ें चाहिए वो जब मैं फर्निस बनाते बनाते करेक्ट कर लूँगा। लगता है कंप्लीट अब जब बनाते हैं फर्निस एंड तो यार एंजॉय द टाइम लैप्स। अरे भाई साहब ऑल राइट गाइस, तो अभी जब जो जल्दी से स्प्रूस की वुड कलेक्ट करनी है काफी शायद जल्दी से कर लेते, तो मैं बताता हूँ कि बस देखते जाओ। राइट गाइस तो देखो मैं जो है काफ़ी सारे यहाँ पे वुड कलेक्ट कर लिया, तो अभी जो सबसे पहले मैं यहाँ पे आके कर क्या लेता हूँ, मेरे को जो है ये रखे मेरे अंदर एक से। ऑल राइट तो अब जो है मैं तुम्हें दिखाता हूँ फर्नेस। भाई साहब देखो यार, ओ माय गॉड, देखो गाइस कैसा लग रहा है देखने, भाई मजा ही आ गया। पट 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 अभी भाई देखो टॉप फ्लोर रहती है, बॉटम फ्लोर रहती है एंड सबसे तगड़ी चीज स्टोरेज सिस्टम जो मैं इसका बनाने वाला हूँ, भाई बहुत मजा आएगा। लेकिन सबसे पहले गाइस अभी जो है मैं करने क्या वाला हूँ, सबसे पहले किसी एक कॉर्नर में चले जाते हैं। तो जैसा तुम्हें पता है अगर मैं स्लैब को अपर एरिया में लगाऊंगा इधर, तो उसके ऊपर जो है मॉब स्पॉन हो सकते हैं, राइट? तो वो जो अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी जो है मैं लगाने वाला हूँ लोअर हिस्से में, क्योंकि इसके ऊपर मॉब स्पॉन नहीं हो सकता लेकिन इसके ऊपर हो सकता है। तो अभी जो है मैं इस तरीके से यहाँ पे स्लैब लगाने वाला हूँ ताकि मेरे को टॉर्चेस भी लगाने की जरूरत ना पड़े एंड फिर जो है हम जो आराम से यहाँ पे स्टोरेज सिस्टम भी बना पाएंगे एंड अगली टॉर्चेस लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से जो है मैं स्लैब से कवर कर लेता हूँ सारी की सारी फ्लोरिंग को, लेट्स गो। गाइस तो देखो मैंने जो है यहाँ पे जो है स्प्रूस की स्लैब्स लगा दिया, लुक सो मच नाइसर नाउ। भाई देखो ऐसा लग रहा है लाइक ये मशीन जो है लाइक लिटरली नीचे जो है ग्रास वगैरह थी, स्टोन वगैरह था, भाई बिल्कुल भी क्लीन नहीं लग रहा था, कितना क्लीन लग रहा है ये देखने में। ओह माय गॉड, एंड अब जो यहाँ पे कोई मॉब वगैरह भी स्पॉन नहीं होगा, तो ऊपर जो है अभी यहाँ पे मैं रूफ टॉप बना सकता हूँ एंड मेरे पास जाएगा सारे मटेरियल आ चुके हैं रूफ टॉप के, ज़्यादा नहीं ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यार जल्दी से जो है ये रूफ टॉप भी बना लेते हैं एंड इसके बाद इसका स्टोरेज सिस्टम बनाएंगे एंड उसके बाद जो 10 शल्कर्स को हम जो है इकट्ठी डाल के देखेंगे कि कितनी जल्दी जो है स्मेल्ट कर सकता है। लेट्स ऑलराइट गाइस, तो अब ये देखो ये जो है कुछ स्टफ है जो कि स्टोरेज सिस्टम के लिए हमें चाहिए, ये जो है ले जाता हूँ एंड भाई हमारा फर्नेस जो है कितना अच्छा लग रहा है देखने में एंड जो है इसका टॉप पार्ट भी गाइस देखो डन जो है हो चुका है। अब जो है अंदर चलते हैं सबसे पहले तो। ऑलराइट तो यहाँ से भी जो है अंदर से बिल्कुल सही लग रहा है। अभी जो है मैं बनाने वाला हूँ स्टोरेज सिस्टम, तो सबसे ज़्यादा जगह जो है किस साइड है वो चेक कर लेते हैं ज़रा। ओके इस साइड भी जगह है एंड इस साइड भी काफ़ी जगह है, बट मेरे को लग रहा है कि हमें जो है इधर बनाना चाहिए बिकॉज इधर मेरे को थोड़ी ज़्यादा जगह लग रही है। तो गाइस अभी जो है तुम इंजॉय करो लास्ट टाइम लैप्स एंड इसके बाद जो है हम तुम्हें मैं पूरी की पूरी बिल्ड विद एवरी सिंगल थिंग एंड हम टेस्ट करके भी देखेंगे 10 शल्कर बॉक्स डाल के कि कितनी जल्दी जो है हमें हमारे जो है रिटर्न्स मिलते हैं। तो गाइज मैंने जो है देखो यहाँ पे स्टोरेज भी अच्छे तरीके से बना दी है एंड ऑल्सो गाइज ये जो है डेकोरेशन वगैरह जो है हम स्ट्रीम पे करेंगे, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डेकोरेशन हो जाएगी बट क्या ये स्टोरेज एंड एवरीथिंग वर्क कर रही है, तो उसको जो है जल्दी से टेस्ट करते हैं। ओके तो यहाँ पे जो है मैं एग्जैक्टली 10 जो है शल्कर बॉक्सेज निकाल लेता हूँ सैंड के भरे हुए। ऑलराइट तो मैंने जो है 10 शल्कर बॉक्स यहाँ पे निकाल लिए हैं एंड अभी जो है अपने फर्नेस में जाके जो है 5 शल्कर बॉक्सेज जो है मैं डालने वाला हूँ ऊपर वाले स्मेल्टर में एंड 5 शल्कर बॉक्सेज में डालने वाला हूँ नीचे वाले स्मेल्टर में। Let's go. तो बस अब जो है मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को करना है यहाँ पे वेट एंड बस जो है मैं एग्जैक्टली यहाँ पे टाइम काउंट करता रहूँगा कितना टाइम लगा इन सब को होने में एंड लेट्स सी क्या ये सब जो है वर्क कर रहा है नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तो अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो वैसे अभी जो मैंने एक प्रॉब्लम को फेस करा यहाँ पे, मैंने स्टोरेज जो है बहुत कम पड़ रही थी, तो मैंने कुछ जो होपर्स लगाए वाटर ऐड करा एंड अब जो स्टोरेज वगैरह का भी सीन जो है फिक्स हो गया, उधर भी मैंने लगा दिया है एंड अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो एग्जैक्टली 19 मिनट्स 20 सेकेंड में 10 शल्कर बॉक्सेज जो है यहाँ पे स्मेल्ट हो चुके हैं, भाई सारे के सारे जो है भरे पड़े हैं
एंड कुछ तो मेरी इन्वेंट्री में भी है, कहना देते हैं ग्लास एंड देखो इधर से भी जो है भरा पड़ा है। तो या गाइस ये रहा हमारा सुपर फन जिसको हम डेकोरेट करेंगे उन स्ट्रीम। बट गाइस ऐसे ही जो है मैंने एक बहुत तगड़ा ओशन बेस को जो है ड्रेन करा था, उसकी वीडियो आपकी सीन कर जाकर देखने को मिलता है। सी यू, गुड बाय बॉयज एंड गर्ल्स।